सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मल्लिका शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज दिन है बृहस्पतिवार और हम लगातार बृहस्पतिवार को वास्तु से जुड़ा ज्ञान लगातार इस कार्यक्रम के जरिए अपने तमाम दर्शकों तक पहुँचाते हैं और वो तमाम जानकारियाँ लेकर आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं वास्तु एक्सपर्ट मनु गुप्ता जी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे मनु जी का। मनु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मल्लिका जी। मनु जी, आज हम आपसे वास्तु से जुड़ा वो ज्ञान लेना चाहेंगे जो हर व्यक्ति जानना चाहता है। आप हमें बताएं भूमि परीक्षण किस प्रकार किया जाए। देखिए, भूमि परीक्षण करना उतना ही आवश्यक है जितना मकान बनाना। अगर आप भूमि परीक्षण नहीं करते हैं मकान बनाने से पहले या कुछ फाइनल करने से पहले तो बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि भूमि परीक्षण कैसे करें। भूमि परीक्षण दो तरीके से किया जा सकता है। किसी भी भूमि के ईशान कोण की तरफ आप एक गड्ढा कर दीजिए, लगभग 1 फिट बाई 1 फिट बाई 1 फिट का, यानी कि 1 क्यूबिक फिट का, और उसको या तो पानी से भर दीजिए और 12 घंटे के बाद पानी की स्थिति देखिए। यदि उसमें पानी लगभग सतह तक है या थोड़ा कम है तो वह भूमि प्लॉट के लिए या आपके बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगर वह आधा है तो वह सामान्य भूमि है, और अगर वह ख़त्म हो जाता है पानी तो वह भूमि फिर आपके प्लॉट बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। किस दिशा का प्लॉट लेना शुभ रहता है? देखिए, वैसे तो सभी दिशा के प्लॉट लिए जाते हैं। आजकल फ्लैट्स हैं, सभी दिशाओं के फ्लैट्स बिक रहे हैं और आदमी को ख़रीदना भी पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सी दिशा का फ्लैट सही है या सबसे शुभ रहेगा तो वह है उत्तर या पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा, क्योंकि यही दिशा ऐसी है जिस जो कि सबसे शुभ है, जो ईशान कोण है, जहाँ पर गुरु का वास होता है और सभी शुभ रश्मियाँ इसी दिशा से प्रवेश करती हैं। तो हमें उत्तर या पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा का प्लॉट खरीदना चाहिए। इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको कि उत्तर या पूर्व का मतलब ये नहीं कि उसका फेस दक्षिण की तरफ हो या पश्चिम की तरफ हो। मतलब ये कि जब आप उस प्लॉट में या उस घर में प्रवेश करें तो आप, यह हम ऐसा कह सकते हैं कि जब आप उस घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलें तो आपका फेस उत्तर या पूर्व या उत्तर पूर्व की दिशा में होना चाहिए। जी, अगर हमने ज़मीन ले ली है तो विभिन्न दिशाओं में उन्नत भूमि का फल क्या मिलता है, ये भी आप हमें बताएं। देखिए, पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि उन्नत भूमि है क्या। एक होती है उन्नत भूमि, एक होती है अवनत भूमि। उन्नत भूमि वह जो कि ऊंची हो और अवनत भूमि वह जो कि नीची हो। तो जैसे 8 दिशाएं हैं हमारी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और हमारे 4 कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। तो अलग अलग दिशाओं में अगर भूमि उन्नत है तो उसका फल इस प्रकार से होगा। यदि पूर्व दिशा से भूमि उन्नत है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि हमें कोशिश ऐसा करना चाहिए कि हमारी जो पूर्व और उत्तर की दिशा की जो भूमि है वो अपेक्षाकृत पश्चिम और दक्षिण की दिशा से नीची हो, यानी कि उन्नत न हो। तो अगर उन्नत होती है तो उसका फल क्या होता है? अगर पूर्व दिशा की तरफ से भूमि उन्नत होगी तो ऐसे में संतान पक्ष की हानि होगी, उस घर में पुत्र संतान नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की जो भूमि है अगर वो उन्नत होगी तो उस घर में हमेशा कलह बना रहेगा, और अगर उत्तर दिशा की भूमि अवनत होगी, सॉरी उन्नत होगी, तो उस दिशा में धन का नाश होगा क्योंकि वहाँ कुबेर का वास होता है। तो ये दिशाएं हल्की होनी चाहिए और नीची होनी चाहिए। तो इनका अगर उन्नत होती हैं ये, तो इन चीज़ों का
ध्यान रखना बहुत ध्यान जरूरी है। रखना बहुत बातें जरूरी वाकई है बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें ध्यान स्वयं ही रखना होगा। जी, एक बिल्कुल। विशेष बात आप हमें बताएं कि घर में खिड़की और दरवाजे कितने होने चाहिए? देखिए, खिड़की और दरवाज़ों की संख्या के लिए भी बहुत विशेष रूप से विचार करना चाहिए। उसके लिए कुछ दो तीन तथ्य हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो सभी लोग ध्यान में रख सकते हैं जब अपने भवन का निर्माण कराएं। हमेशा खिड़की और दरवाज़े एक ही समान ऊंचाई पर हों। ऐसा ना हो कि कोई खिड़की ऊंची है, कोई खिड़की नीची है, या कोई दरवाज़ा ऊंचा है, कोई दरवाज़ा नीचा है। दूसरी चीज़ कि जो खिड़कियां हैं या दरवाज़े हैं, उनके ऊपर छज्जा ज़रूर लगाएं अगर बाहर की तरफ है तो। तीसरी चीज़ कि खिड़की और दरवाज़ों की संख्या हमेशा सम होनी चाहिए। सम मतलब 2, 4, 6 या 8। ये चीज़ें अगर हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो वास्तु के अनुरूप हमारा घर बन पाएगा। और समरूपी दरवाज़ा, इस दरवाज़े के विषय में मैं आपको एक जो हमारा मुख्य द्वार होता है जी उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना जी चाहूँगा। बताएं बताएं। देखिए, मुख्य दरवाज़ा हमेशा 2 पल्ले का होना चाहिए। ऐसा ना हो, कोशिश हम ऐसी करें कि वो 2 पल्ले का हो। अगर 1 पल्ले का है तो फ्लैट्स में जनरली 1 पल्ले का होता है, लेकिन अगर आप बनवा रहे हैं मकान, अपना भवन, तो आप 2 पल्ले का बनवाइए। 2 पल्ले का बनने से, और उसको कोशिश करिए कि वह अंदर की ओर ही खुले। जब आप घर में प्रवेश करें तो वह उसके जो दरवाजे के पल्ले हैं दोनों वो अंदर की अंदर की ओर तरफ हो। खुलने जी चाहिए। जी इससे जो भूमि स्वामी है या घर का मालिक है, उसकी आयु में वृद्धि होती है, सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं। तो हमें सम संख्या में खिड़की और दरवाजे बनाने चाहिए। जी सीढ़ियों की कितनी संख्या होनी चाहिए? सीढ़ियों की संख्या इसके विपरीत विषम होनी चाहिए, और विषम मतलब 1, 3, 5 या 7। और विषम संख्या को हम ऐसे देखेंगे कि जैसे हमने पहला पैर रखा तो वह 1 हुआ, दूसरा रखा तो वह 2, तीसरा रखा तो 3। सपोज हमारा पांचवा पैर हमारी छत पर जा रहा है तो यह विषम संख्या है। जी। तो जो पैर हमारा ऊपर की मंजिल पर पड़ रहा है, उस पैर को हमें आखिरी गिनना चाहिए। तो यह संख्या अगर विषम है तो आपकी सीढ़ियाँ अनुकूल हैं। इन बातों पर भी विशेष ध्यान दें कि सीढ़ियां खड़ी हैं या ढलान में। हाँ, देखिए, खड़ी या ढलान की सीढ़ियाँ तो विशेष रूप से देखनी चाहिए। सबसे जी पहले तो यह कि सीढ़ियों का जो नाप हो एक समान हो, और ढलान थोड़ा बहुत तो रखना भी पड़ता है क्योंकि पानी वगैरह ना रुके इस वजह से, लेकिन ज़्यादा ढलान नुकसानदेह रहता है। उससे घुटने संबंधित तो रोग बनते हैं और एक्सीडेंट्स या चोट लगने की संभावना भी बनती ही है। और जिन घरों में खड़ी सीढ़ियां हैं। देखिए, जनरली वास्तु के अनुसार हम सीढ़ियों की ऊंचाई 9 इंच लेते हैं। अगर 9 इंच से ज़्यादा है तो वह हमें परिस्थितिवश बनानी पड़ रही है, तो उसमें घुटने संबंधित रोग तो होंगे ही होंगे, साथ में कुछ और परेशानियां भी रहती हैं। लेकिन हम कोशिश ये कर सकते हैं कि उसमें भी हम विषम संख्या की सीढ़ियां ही रखें। जी मनोज जी, एक विशेष प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का वास्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है? मौलिका जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड होता क्या है। वास्तु का इससे क्या रिलेशन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो डिपेंड कर रही हैं हमारी ऊर्जा के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। और ऊर्जा हमारी काम तभी करती है जब हमारा दिमाग उसके अनुकूल या उसके प्रतिकूल काम करता है। तो कॉन्शियस माइंड में आपको पहले बताता हूँ। देखिए, कॉन्शियस माइंड होता है हमारा बाहरी दिमाग, जो कि हमारे डेली के जो रूटीन के काम हैं उनसे कनेक्टेड रहता है। सपोज हम सड़क पर जा रहे हैं, हम किसी को देख रहे हैं, हम किसी से ड्राइव कर रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आई, हमने उससे बचा लिया, तो ये सब जो काम करता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। और जब कोई काम हम बार बार करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र कर देता है, और सबकॉन्शियस माइंड ये समझ जाता है कि इस काम को मुझे बार बार करना है तो मुझे इसको याद रखना है। जैसे मैं मौलिका जी आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे उसका सडनली जवाब दीजिएगा। एप्पल रेड रेड, एप्पल एक फ़ोन भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन रेड क्यों आया आपके दिमाग में? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एप्पल की इमेज रेड थी। रेड थी जी बिल्कुल।
आजकल हम एप्पल की बात करें तो आईफोन है, हर एक आदमी एप्पल का फ़ोन लेकर के घूम रहा है। तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस है। तो इसी तरीके से जब हम किसी भवन में रह रहे होते हैं और अगर उसका वास्तु ठीक नहीं है और अगर आप उस चीज़ को बिना समझे गलत निर्णय लेते चले जाएं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रभावित होता रहेगा और आपको रिजल्ट्स खराब मिलते रहेंगे। इसके लिए व्यक्ति क्या करे ये भी आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी और साथ ही साथ नंबर्स आ रहे हैं, आप तुरंत उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, इस खूबसूरत चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। नूडल्स? नो जंक फूड जी। करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए वीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं वास्तु एक्सपर्ट मनु गुप्ता जी। एक बार फिर से स्वागत करेंगे मनु जी का। मनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मनु जी, एक विशेष प्रश्न के उत्तर आप हमें दें। कई बार हम देखते हैं सीढ़ियों के नीचे में कई बार टॉयलेट्स होते हैं, साथ ही साथ किचन भी होती है, कईयों के मंदिर हैं सीढ़ियों के नीचे, क्या वो सही डायरेक्शन है या नहीं, ये आप हमें बताएं। देखिए, ये बहुत ही विचित्र विषय है, क्योंकि आजकल आधुनिक युग में ज़मीन की बहुत कमी है, तो छोटे छोटे मकान रहते हैं और ऐसे में आदमी के पास कोई चारा नहीं रहता और उसको जगह का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे में हम यह सलाह देते हैं कि अगर आप सीढ़ी के नीचे बाथरूम या मंदिर या कुछ और चीज़ बनाते हैं, तो वह आपके लिए विशेष परेशानी का कारण बन सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मंदिर के लिए सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो यह है कि जहाँ भी आप मंदिर का निर्माण करें, जैसे कि ईशान कोण में किया जाता है, तो उसके ऊपर की जगह आपको हमेशा खाली रखनी चाहिए या उसके ऊपर किसी को कोई शयन कक्ष वगैरह नहीं बनाना चाहिए। तो अगर आप सीढ़ी के नीचे बनाते हैं तो यह वास्तु का अनादर हो गया और ऐसे में आपको जो शुभ फल हैं वो प्राप्त नहीं होंगे, धन का नाश होगा, कलह घर में प्रवेश करेगी। इसी प्रकार से अगर आप बाथरूम बना लेते हैं, क्योंकि बाथरूम जनरली हमने कई जगह पर देखा है कि सीढ़ियों के नीचे छोटा सा बाथरूम बना लिया जाता है, तो ऐसे में जो भवन का स्वामी है उसको ब्लड संबंधित परेशानी रहती हैं और ब्लड संबंधित परेशानी का रिजल्ट आगे चल के किसी और रोगों के रूप में भी बन सकता है। मतलब कहने का यह है कि इसमें रोग, कई तरीके के रोग उत्पन्न होते हैं, हो सकते हैं, तो हमें नहीं बनाना चाहिए, वो उचित नहीं होता है, बिल्कुल उचित नहीं होता है जी। कई बार हमने देखा है बेड्स के साइड में शीशे लगे होते हैं या फिर ऊपर शीशे लगे होते हैं, बीम्स होते हैं, क्या ये ठीक है? देखिए, जब जगह कम होती है तो कई बार लोग अनजाने में बेड के साइड में शीशा लगा लेते हैं, जैसे ड्रेसिंग टेबल हुआ या अलमीरा हुआ, अलमीरा के ऊपर शीशे का निर्माण कर लिया जाता है उसको मल्टीपर्पज़ यूज़ बनाने के लिए, लेकिन ये बहुत ही गलत है जी। क्यों? क्योंकि अगर आप सोते वक्त अपनी छाया शीशे में देख पा रहे हैं तो आप कई सारे रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने बेड पर सोएं और सोते वक्त आपको अपनी छाया पास के शीशे में दिखाई दे। इससे आपके शरीर में रोग चलते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ रोग आपको हमेशा रहेंगे, आपको थकान महसूस रहेगी, आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा। तो ऐसे में इसका उपाय यह है कि या तो आप उस मिरर को ढक दें किसी पर्दे से, या फिर अगर हटाना पॉसिबल हो तो उसको हटाया भी जा सकता है। बीम के विषय में भी जरूर बताएं आप मनु जी। इसी प्रकार से बीम है, देखिए बीम के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं
और जैसे कि हमारे वास्तु में हम बात करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, जो कि हम सोने के विषय में भी बताते हैं, तो जब हम किसी बीम के नीचे सोते हैं तो जो उसका मैग्नेटिक प्रभाव है वो हमारे ब्लड के प्रेशर पर या ब्लड के फ्लो पर इफ़ेक्ट करता है, और हमारा जो दिमाग है या हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अनियंत्रित हो जाता है और हमें कई तरीके के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। मानसिक अशांति ख़ास तौर से ऐसे में देखी जाती है। तो हमें कभी भी बीम के नीचे खड़े होकर चाय पानी इत्यादि भी नहीं लेना चाहिए और सोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जी, बच्चों के स्टडी टेबल किस डायरेक्शन में, किस दिशा में हो, ये भी आप हमें मनोजी विस्तारपूर्वक बताएं। देखिए, जो ज्ञान का जो दिशा है वह है ईशान कोण, पूर्व को, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा। तो जब भी हम बच्चों के लिए स्टडी टेबल की बात करते हैं या सोने की बात करते हैं या हम उनकी पढ़ाई के लिए बात करते हैं, तो हम कोशिश ऐसा करें कि बच्चों की टेबल ईशान कोण, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ या ख़ास तौर से वायव्य दिशा की तरफ हो, और उसमें भी बैठते वक्त उनका मुंह पूर्व या उत्तर की तरफ हो या उत्तर पूर्व की तरफ हो। और इसी के साथ साथ बच्चों के लिए ख़ास चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि कई बार बच्चों में यह देखा जाता है कि वो बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई लगातार पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, या थोड़े थोड़े समय के बाद उनको ऐसा महसूस होता है कि भाई कि पढ़ाई को छोड़ दिया जाए या हम कुछ और काम करें। तो इसके लिए हमने कई बार नोटिस करा है कि उनकी सोने की दिशा गलत होती है, इस कारण इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। करेक्ट, इस कारण इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो बच्चों के लिए विशेष रूप से जो सोने की दिशा है वह पूर्व की तरफ सिर करके उनको सोना चाहिए और पश्चिम की तरफ उनके पैर होने चाहिए। कई बार हम देखते हैं लोगों ने अपने घरों में पेड़ पौधे भी लगाए होते हैं, उनकी दिशाओं के विषय में भी ज़रूर बताएं आप। देखिए, पेड़ पौधे तो सभी लोगों को अच्छे लगते हैं और हरियाली देते हैं, लेकिन सही दिशा में सही तरह के पेड़ पौधे लगाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो वास्तु का मूलभूत सिद्धांत है वो यही है कि उत्तर और पूर्व का कोण जो है वो हल्का हो और खाली हो, और दक्षिण और पश्चिम का जो कोण है वह भारी हो और ऊंचा हो। तो इसी सिद्धांत को हम पेड़ पौधों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं कि जब भी हमें घर में पेड़ पौधे लगाने हों तो हम छोटे पौधे हमेशा पूर्व या उत्तर पूर्व की दिशा में लगाएं। जैसे तुलसी, गुलाब का पौधा इसमें अपवाद है लेकिन हम उसको लगा सकते हैं, या और कोई छोटा पौधा। और इसी जो हमारे छोटे छोटे और फूलों के पौधे होते हैं ये हम लगा सकते हैं, कैक्टस हमें नहीं लगाना चाहिए। और अगर हमें बड़े पेड़ लगाने हैं जैसे आम, अमरूद या कुछ और, तो ये हमें दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ लगाना चाहिए। एलोवेरा के विषय में भी आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं घर घर में एलोवेरा के छोटे छोटे पौधे लोगों ने लगाए, क्या वो ठीक है? देखिए, एलोवेरा का पौधा लगाना घर में अच्छा रहता है। इसको हम रिलेट करेंगे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से, जी, जी। क्योंकि एलोवेरा को हम बहुत ही सकारात्मक रूप से लेते हैं। आजकल सभी लोगों के द्वारा देखा जा रहा है कि कोई भी बीमारियां हुई त्वचा से संबंधित या पेट से संबंधित, तो उसमें एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं। जगह जगह पर गर्मियों में एलोवेरा का जूस लिया जाता है नेचुरल इंग्रेडिएंट की तरीके से। तो हमें यह करना चाहिए कि जब हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल दे देता है कि यह चीज़ पॉजिटिव है और हमें फ़ायदा कर रही है, तो वह जाहिर सी बात है कि वह चीज़ सकारात्मक हो जाती है। तो ऐसे में हम उसे लगा सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए और उसको पश्चिम दिशा की तरफ रखना चाहिए। जी, कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए स्ट्रिक्टली, ये भी आप हमें बताएं। देखिए, कैक्टस या कांटे से संबंधित जिसमें कांटे हों ये हमें पौधे खास तौर से नहीं लगाने चाहिए। हाँ, एक हमें पीपल का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। अगर कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका पीपल का वृक्ष घर पे कई बार किसी कोने से या जड़ से आ जाता है, जी, जी। तो आपको उसको विधिवत छोटे से ही जब वो पैदा हो रहा हो तो आपको उसको निकाल देना चाहिए। जी, उसका प्रोसीजर क्या है, उसे निकाल के कहाँ फेंके या फिर कहाँ रखें, ये भी आप हमें बताएं। नहीं, उसको आप या तो किसी माली से निकलवा दीजिए, अन्यथा आप अपने हाथ से निकालने के बजाय किसी माली से निकलवा दीजिए, और उसको अगर वह जड़ सहित निकल आता है तो उसको कहीं आप ज़मीन में लगा दीजिए, अन्यथा आप उसको मंदिर में या बहते पानी में विसर्जित कर दीजिए। किस तरह के पौधे घर में लगाना शुभ रहता है, ये भी आप हमें बताएं। वैसे तो आप घर में अपने मन के अनुरूप
किसी भी तरीके के पौधे लगा सकते हैं, खुशबूदार पौधे, फूल, लेकिन ख़ास तौर से तुलसी का बहुत महत्व है और तुलसी को हमें ईशान कोण या पूर्वी दिशा की तरफ लगाना चाहिए। इससे हमारे ईशान कोण में अगर कोई वास्तु दोष है तो वह भी बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसे में तुलसी लगाने के बाद हमें नित्य उसकी पूजा करनी चाहिए। और तुलसी के साथ एक बात भी जुड़ी हुई है कि इतवार के दिन हमें तुलसी को नहीं छूना चाहिए। मनुज, यहाँ पर शास्त्रों अनुसार एक प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति किराए पर रहता है और वो शुल्क नहीं देता है लेकिन पूजा पद्धति पूरा विधान से करता है तो उसका प्रभाव किसको मिलता है, ये भी आप हमें बताएं। देखिए मौलिका जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा और हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं यह सभी दर्शक गणों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शास्त्रों का कथन इसमें इस प्रकार से है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी मकान में बिना शुल्क दिए रह रहा है और वह कुछ भी शुभ कार्य करता है, वहाँ कुछ पूजा पाठ करता है, दान दक्षिणा करता है, तो उसका फल सीधा सीधा गृह मालिक को ही मिलेगा, उसको सिर्फ उसके भाव का फल मिलेगा। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप शुल्क नहीं दे रहे हैं और आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सारे जो दान धर्म और दक्षिणा है उसका फल आपके गृह मालिक को मिल रहा है। तो आज से आप ध्यान रखिए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि अपने गृह मालिक को पूर्णतः पूरा किराया समय पर दें। बहुत सुंदर। चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष कहेंगे आज आप? संदेश स्वरूप मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूँगा कि आज मैंने जितनी भी बातें बताई हैं अगर इनमें से आपने कुछ बातों का भी अनुसरण कर लिया तो आप अपने जीवन में फ़र्क ज़रूर महसूस करेंगे और यह मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बाकी विश्वास आपका है। मनोज जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन चलते चलते जैसे कि हम अपने तमाम दर्शकों को बताते हैं, आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, वास्तु से जुड़ी कोई क्वारीज हैं, कार्यक्रम के अंत में आप फ़ोन नंबर और साथ ही साथ हमारा ईमेल आईडी याद से अवश्य नोट कर लीजिएगा। आज के इस खास कार्यक्रम में हमें दें इजाज़त, नमस्कार।